अगर तुमने एक नया लैपटॉप खरीदा है या फिर सेकेंड हैंड लैपटॉप को खरीदा है और अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वो लैपटॉप किस तरह का है, मतलब वो ज़्यादा पावरफुल है, उस पर हम एडिटिंग कर सकते हैं कि नहीं, ये फिर नॉर्मल लैपटॉप है, तो यार कैसे चेक करो, चलो बताता हूँ। तो पहले तुम्हें तुम्हारा लैपटॉप को खोल लेना है, फिर खोलना मतलब इसे ऑन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ पे जो ऑप्शन है सेटिंग्स, इस सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा अबाउट करके, ये वाला, यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना होगा। अबाउट में क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा प्रोसेसर कौन सा है, मेरा प्रोसेसर, और यहाँ पे देखो और लास्ट में जो यू लिखा है ना, इसका मतलब होता है अल्ट्रा लो पावर, मतलब ये लैपटॉप बहुत नॉर्मल कामों के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर एच लिखा है तो इसका मतलब होता है इससे बेहतर है, हाई पावर है, बट वो फिर भी मतलब लो ही होता है। फिर जो होता है पी, पी का मतलब होता है बहुत ही बेस्ट वाला एक पावर, जो बेसिकली गेमिंग लैपटॉप में होता है, जो बहुत ही बढ़िया वाला, तो वहाँ पे तुम एडिटिंग भी कर सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो।